अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में दो सिटीज लोकेटेड थे, एक था सैन फ्रांसिस्को, दूसरा था कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इन दो स्टेट्स में सिटीज में बहुत ज्यादा सोना डिस्कवर हुआ। तो ये बहुत अमेरिका का जो ये वेस्टर्न कोस्ट था, ये कौन सा कोस्ट था? वेस्टर्न कोस्ट। और जो ईस्टर्न कोस्ट था, ईस्टर्न कोस्ट ये बहुत डेवलप था और ये अनडेवलप था। मुकाबले में ईस्टर्न कोस्ट डेवलप था। तो यहाँ पे जब वो गोल्ड माइन करते थे तो इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए वो गोल्ड कहाँ ले आते थे? न्यूयॉर्क। गोल्ड ले आते थे जो कि ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड था। जब वो ये गोल्ड ले आते थे तो यहाँ पे क्या होता था? रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। कितना था? 20,900 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो ऑलमोस्ट 6 मंथ लगते थे गोल्ड का यहाँ से यहाँ लाने में। तो क्योंकि यहाँ पे गोल्ड की एक्सट्रैक्शन होती थी, तो अभी बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो वही फ्रेंच इंजीनियर जिसने स्विस कैनाल बनाया था वो मशवरा देता है, 1881 में मशवरा देता है कि यहाँ पे पानामा कैनाल बनाया जाए, क्योंकि पनामा कैनाल के जरिए फिर ये रास्ता शॉर्टर हुआ 20,900 से आगे 8,370 किलोमीटर पर ये डिस्टेंस आ गया, मतलब इतना ज्यादा शॉर्ट हुआ। अभी क्या करता है वही फ्रेंच इंजीनियर जिसका नाम था फर्डिनेंड दी लेसेंस, आता है और इसका टेका ले लेता है और काम शुरू कर लेता है। जब वो काम शुरू करता है तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्विस कैनाल के मुकाबले में बड़ा हेक्टिक था। हेक्टिक क्यों था? क्योंकि ये जो था ज्यादा से समंदर में से गुजरता था। जब समंदर में से गुजरता था तो वहां पे दुर्यानी आती थी, तूफान आते थे। दूसरा, वहां पे जंगल हुआ करता था जहां पे मच्छर होते थे और उस वक्त मलेरिया का इलाज भी डिस्कवर नहीं था, तो बीमारियां फैलते थे, तो बहुत ज्यादा मसला होता था। तो जब ये मसाइल उनको फेस करने पड़े तो उन्होंने हाथ उठा लिए कि बाकी हम ये पानामा कैनाल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ये तकरीबन लास्ट 19th सेंचुरी की लास्ट थी जब फ्रेंच इंजीनियर ने फर्डिनेंड दी लेसेंस ने इसे छोड़ दिया कि बाकी हम इसे नहीं बना सकते। जब उन्होंने छोड़ा तो अमेरिका आया और मजबूरन इस पे काम करना शुरू किया। उन्होंने काम शुरू किया 1904 में पानामा कैनाल पे फिर से काम शुरू किया और तकरीबन 9 ईयर्स में इसको कंप्लीट किया और 1913 में इसकी कंप्लीशन हुई और इस पे काम स्टार्ट हुआ। जब इस पे काम स्टार्ट हुआ और इसकी ट्रेड शुरू हो गई तो ये तो रास्ता बहुत शॉर्टर हुआ। तो अभी क्या होता है? अभी ऐसे होता है कि ये जो पानामा कैनाल था ये तकरीबन 1999 तक अमेरिका के कंट्रोल में था।
almost 686 years. It was under the American control. America was using this canal, which was till 1919 था। ये किसके अंडर था? पनामा कैनाल अमेरिका के अंडर था। अभी क्या होता है? जो आता है अमेरिका का जो यहाँ पे प्रेसिडेंट था वो था बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन से वो पनामा सिटी जो है वो उसकी अथॉरिटी ले लेता है और अपने कंट्रोल में कर लेता है। अभी कोलंबिया आता है और पनामा को क्या करता है? कॉलोनाइज करता है। कॉलोनाइज कर लिया, कोलंबिया ने कॉलोनाइज कर लिया। जब पनामा ने कोलंबिया, कोलंबिया ने पनामा को कॉलोनाइज कर लिया तो डायरेक्टली पनामा भी कोलंबिया के कंट्रोल में आ गया। अभी पनामा ने क्या किया? इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट की। जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट की तो रूजवेल्ट इस तरह फिर रूजवेल्ट जो था प्रेसिडेंट था, रूजवेल्ट से पनामा ने हेल्प मांगी, क्या हमारी मदद कीजिए इस लिबरेशन में, इस फ्रीडम मूवमेंट में। तो रूजवेल्ट ने उनको हर किस्म की मदद की, उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उनका आर्म सपोर्ट भी किया और उनको आजाद करवा दिया और फिर से जो था ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट खत्म हो गई और कोलंबिया से पनामा को आजाद करा लिया। और अभी तक पनामा जो है वो उसको यूज अमेरिका पनामा के नाम को यूज करता है और उनकी ट्रेड शार्ट हो गई। और दूसरी एक बात जो मैं मिस कर चुका हूँ, पनामा केनाल जो है वो टू वाटर बॉडीज को मिलाता है, लार्ज एक है अटलांटिक, अटलांटिक और दूसरा है पैसिफिक, क्योंकि पनामा केनाल जो होता है वो हमेशा की टू लार्ज वाटर बॉडीज को मिलाता है। तो ये पैसिफिक और अटलांटिक को मिलाता है जिस तरह स्विस रेड सी और मेडिटेरेनियन को मिला जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।